हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स मी निशु। आज ये लुक मैं क्रिएट करके आप लोग को दिखाऊंगी। इसको अचीव करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास अवेलेबल हो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आईब्रोज बनाने जा रही हूँ। आईब्रो के लिए आप कोई भी पेंसिल, पोमेड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है फोकालियर की आईब्रो पेंसिल इन शेड 04, वो मैं यूज़ करूँगी। आईब्रो बनाने के रूल्स, सबसे पहले आपने फुल एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, देन अपने बालों को स्पूली की मदद से ब्रश करना है ऊपर से, एंड देन ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन आउटर एजेस डार्क फिल करने हैं अच्छे से, एंड जो फ्रंट पे हमने लाइन लगाई है उसको इसी तरह स्पूली से ब्रश करना है ताकि इवनली सारा प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाए। फोकालियर की पेंसिल में बीच में पाउडर भी मौजूद है, उससे मैंने अपनी आईब्रो को फिल किया, एंड देन आउटडोर गर्ल की ब्राउ जेल की मदद से मैंने इसको सेट किया ताकि मेरी आईब्रोज जो हैं वो स्टे रहें। देन मैं प्राइमर की मदद से, या आप कोई भी कंसीलर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ। आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने अपनी पूरी आईलेट पर अप्लाई किया। आपने इस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करना है, एंड देन इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करोगे। आपको एक नीट एंड क्लीन कैनवस मिलेगा आई शेडो अप्लाई करने के लिए। लैशेज के लिए मैं रिदा जैन की लैशेज यूज़ करूँगी, क्यूटी पटूटी एंड ऑफ एयर, लाइक मैंने कैमरा ऑन किए बगैर एक आई मेकअप कर लिया है एक आँख पे। और आई शेडो पैलेट मैं हुदा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, रोज़ गोल्ड आई शेडो पैलेट, और मून डस्ट आई शेडो लेकर मैंने अपनी ब्राउ बोन और टियर डक को हाईलाइट किया है। आई शेडो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये कर लें तो ये ईजी रहता है। देन शेड शाई लूँगी और एक फ्लफी ब्रश की मदद से मैं इसको क्रीज पर अप्लाई करूँगी ताकि एक ब्यूटिफुल सा ट्रांजिशन शेड जो है वो क्रिएट हो, ताकि मैं बाद में जो ये फ्लेमिंगो शेड क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट आए और ख़ूबसूरत नज़र आए। यू कैन सी दूसरी आँख पर जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बैक एंड फोर्थ मोशन में आपने इसको ब्लेंड करना है अपने आउटर वी, यानी आँख की आउटर वी पर भी यही डार्क पिंक शेड को अप्लाई करना है, लेकिन डार्क पिंक शेड को ऊपर की तरफ आपने नहीं लेके जाना, यानी जो शाय लाइट पिंक शेड हमने ऊपर अप्लाई किया था वो लेकर हम इसको फिर से ब्लेंड कर देंगे। देन हुदा ब्यूटी की नियॉन पैलेट पिंक में लेकर ये वाले शेड्स इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, लाइक मिड लिट पे और इनर लिट पे, इस तरह से फिंगर की मदद से, क्योंकि ब्रश से ये अप्लाई नहीं होते। देन स्टेज लाइन का ग्लिटर में ले रही हूँ, ये अल्ट्रा लाइट है इन शेड 06, और इसको मैं एक फ्लैट छोटू से ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। बहुत ही खूबसूरत ग्लिटर्स हैं, इसमें काफ़ी सारे शेड्स मौजूद हैं। इसके नीचे आपको ग्लू अप्लाई करनी होती है, इसके इसका सीलर जो है अवेलेबल है, आप इसके नीचे वो यूज़ कर सकते हो, एंड देन उसको इस तरह से अप्लाई करोगे, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। देन मैं एक क्लीन फ्लफी ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो को, एंड लाइनर के लिए मैं अपना फेवरेट मिस्टीन सुपर ब्लैक फिक्स लाइनर यूज़ कर रही हूँ। Totally recommended if you want to buy something really good eyeliner में, then get this one. Beginners के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आपकी शादी हो रही है तो अपने bridal kit में इसको ज़रूर include करें। Then अपनी bridal kit में ये वाली lashes भी ज़रूर include करें, क्योंकि ये बहुत ही natural looking है और बहुत ही lightweight हैं। These are Reda Zain की lashes, cutie patootie. रिमल का काजल पेंसिल मैं लेकर अपनी वाटर लाइन को लाइन कर रही हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आपने पूरी वाटर लाइन को लाइन नहीं करना, अपनी आई बॉल के नीचे तक सिर्फ आपने लाइन करना है। ये टिप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपकी आईज जो है वो बहुत ही ओपन और बड़ी नज़र आती हैं। मेक श्योर जब आप काजल पेंसिल को टाइट लाइन पे अप्लाई कर रहे हों तो भी सिर्फ हाफ अप्लाई करें, पूरा आगे तक यानी टियर डक तक इसको मत लेकर जाएं, आपकी आईज़ बहुत ही बड़ी बड़ी नज़र आती हैं।
देन मैं अपनी शर्ट जो है वो चेंज कर लूँगी। एंड बारी आती है स्किन प्रेप की, तो मैं यहाँ पे जो है ट्रियोलॉजी का रोज़ हिप ऑयल यूज़ करी हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और आजकल मेरी ये स्किन जो है वो बहुत ही वियर्ड रिएक्ट कर रही है, अजीब सा। फेशियल ऑयल्स जो है वो सर्दियों में बहुत अच्छे हैं, गर्मियों में आप थोड़ा स्किप कर दें क्योंकि पोर्स वगैरह का इशू होता है, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। फेशियल ऑयल यूज़ करने के 5 मिनट बाद जो है आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो, प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। 5 मिनट तक आपने वेट करना है। फिजियो जेल का ये डे क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें SPF भी मौजूद है, आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और एलर्जी हो जाती है कुछ भी यूज़ करने से, देन आप ये वाला क्रीम जो है वो यूज़ करो, आपको सूट करेगा। देन प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ऑडबो का चिक पर्ल इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा कि आई लव दिस प्राइमर, और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सो आई लव 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 डूई और बहुत ही हाईलाइटेड सा मेकअप, ग्लोई सा मेकअप, तो ये वैसे ही प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा मैंने लिया और इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया एंड यू कैन सी द ग्लो, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। अगर आपको पोर्स हैं तो आप कोई मैटिफाइंग या पोर फिलिंग प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। मैं ग्लैम गर्ल बाय महविश का स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन शेड 102 और उसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी, और डैम्प जो कि गीला स्पंज होता है उसकी मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अच्छा, इसकी क्वालिटी मतलब कंसिस्टेंसी, कवरेज एंड एवरीथिंग के बारे में बात करते हैं। कवरेज इसकी मीडियम टू हाई कवरेज है, बिल्डेबल है। एंड मेरी स्किन बहुत ड्राई थी तो थोड़ा थोड़ा पैची हो गई थी थोड़ी देर बाद, बट यू कैन यूज़ कोई भी फाउंडेशन जो आपको सूट करती हो। देन कंसीलर के लिए मैं द वन ओरिफ्लेम का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इसको अपनी अंडर आइज़ पे, अपर लिप पे, चिन और फॉरहेड पे अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग कंसीलर है और मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप जो है 25 से अबव हो तो ये कंसीलर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप अपने फेस को सेट करोगे किसी भी सेटिंग पाउडर के साथ जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने APK का ऑयल कंट्रोल पाउडर यूज़ किया है इन शेड नेचुरल, और देन उसके बाद मेरा फेस काफ़ी वाइट और पेल नज़र आ रहा था तो उसको थोड़ा सा वार्म करने के लिए मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का टैन बॉन ब्रॉन्जर यहाँ पे यूज़ किया है। ब्रॉन्जर जो है आपके फेस को टोन डाउन करता है, यानी आपके फेस का जो चिट्टापन होता है उसको रिमूव करता है। नोज कंटूरिंग में कर रही हूं, मेरी नाक थोड़ी सी बड़ी है, अगर आपकी नाक छोटी सी आपको कंटूरिंग की जरूरत नहीं है। कंटूरिंग को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर का एज यूज कर रही हूं। कोई भी पाउडर लेकर उसको इस तरह से एजेस पर अप्लाई करें, आपकी जो कंटूरिंग है वो बहुत ही शार्प नजर आएगी। आई नो यहां पे बहुत ही पिगमेंटेड है, बट अगेन मैं इसको बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके थोड़ा सा कूल सॉफ्ट कर दूंगी। देन कंटूरिंग के लिए मैं अपना यूज़ कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट एले गर्ल का कंटूर किट इन शेड लाइट, और आई नो कि मेरी कंटूरिंग थोड़ी सी ओवर हो गई थी लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको सॉफ्ट कर दूंगी बाद में। एंड अगर आपको कुछ चाहिए पाउडर जो कि आपके फेस पर कोई छापा वापा ना छोड़े, देन गेट दिस एले गर्ल का कंटूर पाउडर, दिस इज़ रियली 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 गुड। इसको मैंने एक फ्लफी ब्रश की मदद से इस तरह से अपने चीक्स को कंटूर किया। यू कैन सी थोड़ा सा मेरा फेस जो है वो इन शेप लग रहा है अभी। एंड देन मैं इसको थोड़ा सा और शार्प दिखाने के लिए, यानी वी शेप में दिखाने के लिए पाउडर को इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ अपनी कंटूरिंग के नीचे। ब्लश के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, एंड आई नो कि ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई कर लिया था, लेकिन अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको सॉफ्ट कर दूंगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको डरा रही हूँ अभी फ़िलहाल, बट डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर में लूँगी और उसकी मदद से मैं अपने जो खौफनाक ब्लश है उसको थोड़ा सा कम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया था।
एंड देन उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं ब्यूटी फाइव आमना का हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट 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 हाइलाइटर पैलेट। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये आपकी ब्राइडल किट में होना ज़रूरी है। ये शेड को लेकर मैं एक हाइलाइटर ब्रश की मदद से इसको इस तरह से अप्लाई करी हूँ। इसमें थोड़ा सा पर्पलिश पिंकिश टोन है जो कि मेरे इस मेकअप लुक के साथ बहुत ही अच्छे से लग रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा हो बट बहुत खूबसूरत लगता है ये इन रियल लाइफ। अच्छा, तो लिप्स के लिए मैं बहुत डार्क कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहती, तो मैंने टिंट लिया। एक शेड है बर्न और एक शेड है पीच ब्लॉसम, और ये दोनों टिंट्स जो हैं ये फोकल और के लिप स्टेन्स हैं। और इस पर मैं पूरा रिव्यू कर चुकी हूँ, लिप स्वॉचेस भी दिखा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तमाम शेड्स बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लिप स्टेन्स है। इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने थोड़ा सा लाइट करने के लिए कॉटन पैड लिया और उस पर इस तरह से प्रेस किया लिप्स को, एंड यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत लगता है। डेली वेयर के लिए दीज आर स्टनिंग। देन लिप ग्लॉस के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की लिप ग्लॉस यूज़ की है, और इसका शेड भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं ले रही हूँ मैक का फिक्स प्लस पिंक लाइट, और इससे मैं अच्छे से अपने फेस पर मिस्ट करूँगी, और ये आपको बहुत ही ड्यूई अफेक्ट देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। थोड़ा सा ओवर हो जाएंगे मैं अपनी ब्यूटी बोन्स जो कि नज़र तो नहीं आ रही बट उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और देन हेयर स्टाइल के लिए मेरे ख्याल से मायू लुक में आपको बाल खुले रखने चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी पोनी तो नहीं ब्रेड वगैरह बनाना चाहो जिसमें आप फूल वगैरह लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे पसंद है कि मैं कर्ल्स करूं और बालों को खुला छोड़ूं। बट हमेशा की तरह मैं भूल गई थी कि अपनी लोअर लैश पर भी मेकअप अप्लाई करना है और उसको फिल्म करना है एटलीस्ट। तो मैंने दोनों शेड्स को लिया और उसको लोअर लैश पे अप्लाई किया एंड मस्कारा भी अप्लाई किया जो कि मैंने फिल्म ना कर सकी। रिमिंगटन का मैं स्ट्रेटनर ले रही हूँ यहाँ पे, और इस तरह से इसको आपने यूज़ करना है अपने बालों को कर्ल करने के लिए अगर आपके पास है। अगर रिमिंगटन का स्ट्रेटनर नहीं है और इस तरह से छोटा सा स्ट्रेटनर है आपके पास, फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने बालों को कर्ल करने के लिए। इस तरह से स्ट्रेटनर को आपने ऊपर से स्ट्रेट लाकर बालों को इसमें अंदर रख के गोल घुमाना है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपने फेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको घुमाना है ताकि आपके कर्ल्स जो हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बने, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आप इस हेयर स्टाइल के लिए कोई भी टोंग कर्लर कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हो ये डन हो गए हैं, लेकिन जो हमारा क्राउन एरिया है वो बहुत ही फ्लैट है, उसको थोड़ा सा हम वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे। आप बैक कॉमिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पंज सा यूज़ कर रही हूँ, डोनट बन इसको बोलते हैं, डोनट बन हेयर स्टाइल के लिए ये डोनट यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने क्राउन एरिया को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए इसको यूज़ किया है। इस तरह से आप इसको रखेंगे अपने बालों के अंदर और इस बालों को ऊपर ले जाके इसको पिनअप कर लेंगे, बहुत ही खूबसूरत वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। बैक कॉमिंग जिनको नहीं पसंद वो इस डोनट को यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका क्राउन एरिया जितना फुल ऑफ वॉल्यूम होगा, दुपट्टा इसके ऊपर पड़ा होगा तो आपका फेस जो है उतना ही छोटा और खूबसूरत नज़र आएगा, लाइक आपका मेकअप और आपका हेयर स्टाइल जो है बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने एक्सेसरीज पहन ली, दुपट्टा पहन लिया, एंड बहुत ही ईजी एंड सिंपल स्टेप्स हैं जबकि आप घर में ही फॉलो कर सकते हो और अपना मायो लुक जो है वो अचीव कर सकते हो। आपको कोई सैलून पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को फॉलो करो। तो अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर।